हेलो फ्रेंड्स, सरकारी रोज के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। फ्रेंड्स, आप चैनल पर नए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे हमारे ऑल नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। तो प्यार साथियों, सक्षम योजना से संबंधित एक बड़ी अपडेट आई है। प्यार साथियों, धरने से संबंधित मांगों को लेकर इस वीडियो में मैं पूरी जानकारी आपको बताऊंगा, तो आपने वीडियो को ज़्यादा शेयर करते रहना। तो प्यार साथी, आप देख सकते हैं, आप सभी सक्षम साथियों से अपील है कि दिनांक 22 फरवरी 2022 सुबह 10 बजे जिला कोर्ट जींद के बाहर, जहाँ PTI मास्टर का धरना लगता है, वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचे DC साहब के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन मांग पत्र दिया जाएगा। जी हाँ, तो उन्होंने सक्षम योजना साथी ने क्या कुछ मांग रखी है वो आपको मैं बता देता हूँ आज की तारीख में। तो फर्स्ट पॉइंट में उन्होंने बता रखा है, मांग रखी है, हरियाणा कौशल रोजगार निगम में सक्षम स्कीम से बाहर हुए और वर्तमान कार्यरत सक्षम को बगैर किसी शर्त के शामिल किया जाए। ठीक है दोस्तों, ये भी अच्छी बात कही है सक्षम योजना साथियों ने। अगला पॉइंट उन्होंने बताया, 3 वर्ष का काम एवं 35 वर्ष की आयु तक जैसी शर्त को रद्द करके जब तक सक्षम युवाओं को काम नहीं मिलता, रोजगार विभाग भत्ता व काम देता रहे। ठीक है दोस्तों, ये भी बहुत अच्छी मांग रखी है सक्षम साथियों ने। तो तीसरा पॉइंट उन्होंने रखा है, अनुभव प्रमाण पत्र रोजगार विभाग द्वारा दिया जाए, चाहे सक्षम के द्वारा किसी भी विभाग में काम किया हो, उसका प्रमाण पत्र रोजगार विभाग ही दे। ठीक दोस्तों, जो एक्सपीरियंस है अनुभव प्रमाण पत्र है रोजगार विभाग हरियाणा द्वारा वितरित कर दिया जाए। जिन भी साथियों के पास काम में जाते हैं, जो भी काम करते हैं, 3 साल काम करते हैं, उनको जो अनुभव प्रमाण पत्र है वितरित कर दिया जाए रोजगार विभाग हरियाणा की तरफ से। चौथा पॉइंट में उन्होंने बात कर रखी है, हरियाणा सरकार के द्वारा जारी 9th अमेंडमेंट के अनुसार सभी सक्षम को यात्रा भाड़ा रोजगार विभाग के माध्यम से द्वारा जारी किया जाए, वह इस अमेंडमेंट को प्रशासन लागू करे। ठीक है दोस्तों, अगली बात, पांचवें पॉइंट में उन्होंने बता रखा है, एक ही विभाग में स्थायी काम दिया जाए। जी हाँ, तो जो भी डिस्ट्रिक्ट है, एक ही विभाग में उनके पास काम का मैसेज भेजे जाए, बाकी अदर विभाग में है काम के मैसेज नहीं भेजे जाए। ठीक है दोस्तों, एक ही डिपार्टमेंट में उनके पास काम का मैसेज आना है। तो छठी इन्होंने बात रखी है, फैमिली आईडी के कारण स्कीम से बाहर हुए सक्षम को पुनः शामिल किया जाए, फैमिली आईडी व सक्षम स्कीम में योग्यता सुधारने का ऑप्शन लागू किया जाए। यह भी बहुत अच्छी बात बताई है, मांग रखी है सक्षम साथियों ने। अगला सातवां पॉइंट है, प्राइवेट यानी माध्यम से पास युवाओं को इस स्कीम से शामिल किया जाए, इसलिए आप सभी पढ़े लिखे जागरूक युवाओं से अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सभी मन मटाव को ख़त्म करके उपरोक्त स्थान समय व दिनांक को पहुँचे। ठीक है दोस्तों, तो सक्षम युवा साथियों ने ये मांगे रखी हैं। ठीक है दोस्तों, आज हम मांग पत्र हैं सौंपे जाएंगे प्यार साथियों। ठीक है दोस्तों, तो ये इन्फॉर्मेशन आई थी सक्षम योजना से जुड़ी, इस वीडियो को मैं पूरी जानकारी आपको बता दिया, बाकी अगर कोई इन्फॉर्मेशन आएगी मैं आपको वीडियो के माध्यम से जरूर बताऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।